मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा जन्माष्टमी के पर्व पर सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। शहर में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था की गई है। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरे बनाए हैं। मेडिकल कैंप की सुविधा दी गई है। पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की गई है। मथुरा नगर निगम के मेयर मुकेश आर्यबंधु ने जन्माष्टमी के अवसर पर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नगर निगम द्वारा भी भव्य तैयारियां की गई हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु। पूरे ब्रज में धूम मची हुई है, नगर निगम ने भी बेहतर तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और क्रीड़ा स्थली जो है वो वृंदावन है। आज जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर लाखों लाखों की संख्या में बहुत दूर दराज से देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं और हमने जो नगर निगम की व्यवस्थाएं की हैं, साफ सफाई का विशेष चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रत्येक रोड पर पानी की व्यवस्था की गई है। हर रोड पर एक टैंकर लगाया गया है। वैसे तो हमारे नगर निगम के द्वारा बहुत शौचालय बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ टॉयलेट शौचालय की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक रोड पर तीनों शिफ्टों में हमने कर्मचारी लगाए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की पर्यटक को असुविधा ना हो। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की क्योंकि यहाँ जन्मस्थली है और दूर दराज से यहाँ लोग आएंगे, इसलिए उनको कोई भी परेशानी ना हो। रैन बसेरा हमने खुलवा दिए गए हैं वृंदावन में, मथुरा में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको सोने पड़ने की अव्यवस्था होती है, तो उनके लिए रैन बसेराओं को भी सुविधा हमने दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की नगरी में दूर दराज से आए हुए दर्शनार्थियों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको खुश रखे। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात मैं कहना चाहता हूं, दो गज की दूरी और मास्क जरूरी। कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी है, इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो भी पर्यटक हैं दर्शनार्थी आते हैं वो। सीएम साहब का भी कार्यक्रम है, उस दृष्टि से नगर निगम की कैसी व्यवस्था है, महाविद्या में उनका कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, सीएम साहब आ रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था है चाक चौबंद है और कोविड के लिए हम विशेष बात कहते हैं कि सबको दो गज की दूरी जरूर रखनी चाहिए। अगर कोई खाना पीना खा रहे हैं तो हाथ को साफ जरूर कर लें, ये सारी व्यवस्था है। जन्मोत्सव में 12 बजे के लिए भी क्या कुछ अपील आप करना चाह रहे हैं? मैं विशेष तौर पर यही अपील करता हूँ के लिए, जैसे इस बार के कुछ रखा है कि शंख या घंटी थाली ये सब बजाएंगे सभी लोग? निश्चित तौर पर ब्रज में तो ये होता ही है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो रात को 12 बजे घंटी घड़ियाल बजते हैं और वो व्यवस्था आज भी है और अब भी होगी। लेकिन मैं विशेष तौर पर दर्शनार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी दूरी बनाकर जरूर रखें, मास्क का प्रयोग जरूर करें। इस तरह हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु। नगर निगम ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भव्य तैयारियां की गई हैं, जो विभागीय तैयारियां हैं वो भी बेहतर की गई हैं, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, मेडिकल की भी व्यवस्था की गई है, अलग से मेडिकल एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है, 10 बेड का इमरजेंसी में अगर कोई श्रद्धालु की कोई तबीयत खराब होती है उसके लिए भी प्रॉपर उपचार उसे मिलेगा, पेयजल सप्लाई की बेहतर व्यवस्था की है। साथ ही साथ ही ये लोगों से अपील भी की गई है श्रद्धालुओं से कि कोविड का दौर चल रहा है, 2 गज की दूरी बना कर रहें, मास्क लगा कर रहें और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद उठाएं। नियो न्यूज कैमरा पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।